सब आई हो, आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है, बचे हैं 7:30, सभी चले गए स्कूल, बच्चे हस्बैंड ड्यूटी चले गए, उसके बाद कमरा सेट किया, सामान इधर उधर पड़ा था वो सेट किया, जो कपड़े थे एक दिन पहले के तो बारिश हुई थी, कपड़े नहीं सूखे, फिर मैंने क्या किया रात में ऐसे ही छोड़ दिए थे, फिर सुबह रात में सूख गए, फिर सुबह उठा लिए थे। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े लेके आई और उसके बाद तय किए, बच्चे तो चले गए थे स्कूल तो घर में कोई नहीं था, पोछा ओछा लगाया और उसके बाद सूख जाएगा आराम से, क्योंकि घर में बच्चे रहते हैं तो इधर उधर चलते हैं तो सूखने में दिक्कत भी होती है। तो एकदम क्लीन हो गया था अच्छे से पूरा पोछा, तो थोड़ा थोड़ा मैंने सूट कर लिया था, ज़्यादा नहीं बड़ा किया ये पोछे या झाड़ू का। तो यही है आज का, और आप लोग ज़रूर देखना और बताना, क्योंकि कोशिश तो करती हूँ कि कम से कम ही रखूँ, काफ़ी कट कर देती हूँ, बड़ा नहीं करती हूँ ज़्यादा, फिर भी थोड़ा बहुत ब्लॉक का है तो इतना तो हो जाता है, और काम तो डेली के हैं रोज के हैं, तो आप लोग सभी करते हैं और सभी के घर में डेली के ही काम होते हैं, यही रोज काम ख़त्म तो नहीं होते, कभी भी इतने सारे काम निकालो तो बहुत काम है, त्यौहार भी है आ गया है, रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी है, तो काफ़ी काम तो निकल आते हैं, पर्दे भी हैं धुलने के लिए, तो ये भी धुलूँगी किसी दिन निकाल के, और यही है आज का। तो मैंने सोचा सुबह से ही स्टार्ट कर दूँ, तो सुबह से ही मैं लग गई थी काम में, नहाऊँगी जाके बाद में कपड़े लेके आ गई, क्योंकि कपड़े पड़े भी हैं बच्चों के हस्बैंड के, मैं भी नहाऊँगी तो मेरे भी हो जाएंगे, तो ये टोरी हो गई खाली, ये कपड़े लेके आ गई थी, सूख गए थे रात में ही पड़े रहे क्योंकि सूखे नहीं थे, बारिश आजकल हो रही है, बारिश का तो है ही मौसम, वो बारिश होनी भी चाहिए, थोड़ा ठंडा मौसम भी हो गया है, तो ये कपड़े लगा दूँगी तय, उसके बाद नहाऊँगी। ऐसे 9 बज गए थे क्योंकि काम भी हो जाता है काफ़ी, थोड़ा थोड़ा करने में काफ़ी हो जाता है, तो टाइम का नहीं पता चलता है, आराम से करूँगी काम तो इतना ख़त्म तो नहीं होता, खैर ख़त्म तो अपने मन से भी बैठ जाओ, काम तो नहीं होता कभी ख़त्म, तो ये कपड़े लगा लूँगी तय करके रख दूँगी और उसके बाद नहाऊँगी। तो आप लोग बने रहना, पूरा वीडियो देखना और ऐसे भाग के मत जाना, कमेंट करके पूरा देखना, उसके बाद कमेंट करना, बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग में बहुत ज़्यादा सच में, और फिर मन सा नहीं होता जब व्यू भी नहीं आए, तो फिर बिल्कुल मन हो जाता है कि अब क्या करूँगी, ब्लॉगिंग तो नहीं कोई पसंद करता है, लेकिन कोशिश तो करती हूँ कि आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो बना के शेयर करूँ, पर जो भी काम होते हैं हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा तो नहीं दिखाएंगे, जो रियल है, जो लाइफ रियल है हमारी, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कपड़े हो गए थे तय, उसके बाद जो रिचार्जर लगा था, रिचार्ज तो फ़ोन दो फ़ोन है, एक चार्जर है, तो एक हटा के दूसरा लगाती हूँ, दूसरा हटा के फिर लगाती हूँ, तो यही है आज का। बोतल उतर रख दूँगी, भरूँगी जाके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का ही वक्त है, 11:45 बजे हैं, सुबह मैंने झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद नहाया, पूछा की नाश्ता बनाया अपने लिए, और वीडियो नहीं बनाया नाश्ते का, अब किचन में फिर से जाऊंगी, बनाऊंगी कुछ खाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड के लिए उन्हें सोना है, तो जल्दी बनाती हूँ, बच्चे आएंगे स्कूल से तो दोपहर में, अभी 11 बजे से ही करूँगी, तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट फिर से कर दूँ, तो बन काफ़ी दिन से नहीं आ रही मेरी वीडियो ब्लॉग का, क्योंकि सुबह से शाम तक का पूरा दिखाओ तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है उसके बाद, और फिर ज़्यादा कोई नहीं देखता है ब्लॉग, तो फिर मन नहीं होता बनाने का, तो आप लोगों से यही मैं बोलूँगी कि जो भी आए वीडियो तो आप लोग देखें, और ब्लॉग का ही मेरा चैनल है तो आप लोग ब्लॉग ही देखा करें ज़्यादा, ब्लॉग भी देखा करें, ब्लॉग को हटा देते हैं तो ऐसा ना करें, बहुत मेहनत में वीडियो बनता है, टाइम भी नहीं मिलता है, तो इस वजह से ठंडा मौसम हो रहा आजकल, तो खैर क्योंकि बारिश हो रही अब हुई है काम, चलिए अंदर किचन में चलती हूँ।
रही थी, कपड़े वपड़े धुले, तो ऐसे नाश्ता बना के कर लिया था हम लोगों ने। हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, बच्चे तो स्कूल चले गए थे, उनकी तो अभी नाइट है। और उसके बाद चाय पी, चाय पीने के बाद थोड़ा बर्तन वर्तन थे वो धुले, कपड़े तो धुल लिए थे नहा के, पूजा वूजा कर ली। उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता कर लिया, उसके बाद कपड़े डाले और फिर आ गई किचन में। सोचती रही बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या, अंदर बाहर किया थोड़ा, तोरी भी रखी थी पर तोरी का बिल्कुल मन नहीं था, बच्चे मना करके गए थे तोरी मत बनाना, कुछ वैसा बनाना देख लेना अच्छा कुछ, तो अच्छा क्या बनाती। फिर मैंने सोचा कि दही रखा था दो दिन पहले का, खट्टा था, तो फिर मैंने सोचा कढ़ी बना लूँ। और एक पैकेट लस्सी का मंगाया मैंने, क्योंकि कढ़ी बनेगी तो थोड़ा खट्टापन हो जाए, थोड़ा अच्छे से बन जाए। तो ये पकौड़ी मैं इसमें डाल रही थी और ये बेसन वेसन घोर के रख लिया था मैंने, कढ़ाई चढ़ा दी, गर्म हो गया तेल और ये पकौड़ी डाल दूँगी। पकौड़ी ज़्यादा हमारे घर में नहीं खाते बच्चे, कढ़ी खाते हैं, झोल झोल जो होता वो खाते हैं चावल से, पकौड़ी नहीं खाते। तो हम दोनों के लिए तो काफ़ी हैं ये, क्योंकि बिना उसके नहीं बनाया जाता कुछ भी। कढ़ी बनाओ तो कुछ भी डालो, तो मैं पकौड़ी ही बनाती हूँ, बच्चे नहीं खाते, हम लोग तो खाते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी, उसके बाद जो हींग जीरा जीरा तो नहीं डाला, हींग और मेथी से मैं तड़का लगाती हूँ कढ़ी में, हींग डाली, उसके बाद मेथी और हल्दी और ये जो घोल मैंने रखा था बेसन का ये डाल दिया। आज कढ़ी ही बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं बनी है, हमारे घर में सभी कढ़ी खाते हैं, अच्छी लगती है सभी को। बनाने के लिए भी सोचना पड़ता क्या बनाओ सुबह शाम दोपहर, रोज़ दाल भी नहीं अच्छी लगती और तौरी भी नहीं, तौरी रखी है देखूँगी शाम को तो मुश्किल है बनेगा, कढ़ी बन रही रखी रहेगी, अगर कम पड़ी तो बना लूँगी, नहीं तो फिर दूसरे दिन बनाऊँगी, भर के बनाऊँगी तौरी और दाल बनाऊँगी साथ में, जब भी अच्छी लगती है, ऐसे ही नहीं खाता कोई। और तारती रही जब तक खदक नहीं आया, उसके बाद नमक डाल दिया, अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद पकौड़ी डाल दूँगी। यही है आज का काम, तो हो ही जाते हैं धीरे धीरे। बहुत ही बोतलें रखी थी भर के रखी, ये भी फ्रिज में लगाऊंगी क्योंकि अब ठंडा मौसम है तो ठंडा पानी भी पियो तो जुकाम भी हो जाता है, और इस वजह से थोड़ा दिन लेट रखूंगी, बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, ज़्यादा ठंडा हो जाता है वो फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर का पानी पीते हैं, दोनों को जुकाम है बहुत तेज़, तो इस वजह से अभी नहीं रखूँगी, जब आएँगे जब भी रखूँगी तो इतना ठंडा नहीं होगा, ज़्यादा आवेश रखूँगी तो फिर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। कढ़ी बन गई थी और इधर चावल भी बन रहे थे, और थोड़ा जो आटा रखा था गुंदा हुआ, सुबह बच्चों के लिए पराठे बनाए थे, फिर हम दोनों के लिए दो दो पराठे बनाए थे, तो अभी रखा है आटा, इसकी चार पांच रोटी बन जाएंगी, तो हस्बैंड के लिए हो जाएंगी, मैं तो चावल ही खाऊँगी, बच्चे घर में चावल ही अच्छे लगते हैं, रोटी नहीं खाऊँगी, तो यहाँ पर रोटी सेक लूँगी। बन गया खाना, गया खाना और अब जा रही हूँ खाने, आप लोग भी आ जाइए। ये अपने में रोटी नहीं रखी, चावल ही खाऊंगी, आप लोग बने रहना, और मिलूंगी आप लोगों से खाना खाने के बाद। और खाना ना खाने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया, ये है 3 बजे के बाद का वीडियो, बेटा भी आ गया था उसने भी खाया, और ये सुबह जो हम लोगों ने खाया था वो तो धुल दिए थे, थोड़े ये बच गए थे, बर्तन तो ही जाते, चावल अवल खाली किए, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये 3:30 बजे का है ये वीडियो। ये करने के बाद बर्तन वर्तन धोए, थोड़ा बहुत काम बच्चों के इधर उधर कपड़े थे जूता ये सब इधर उधर रखा, फेंके बच्चे तो आके फेंक देते हैं, वो सेट करके रखे। उसके बाद थोड़ा मैं भी बैठ गई, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है करना। उसके बाद 5 बजे का है ये, तो यहाँ पे चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा यहीं पे वीडियो का फिर एंड कर दूँगी, काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा, इसे चाय पीनी है, जैसे पीनी है तो आ जाइए, बारिश का है मौसम, बारिश भी हो रही थी बहुत तेज, ये 2-3 दिन पहले का है ये वीडियो, और यहीं पर वीडियो का एंड कर दूँगी। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आएगा, फिर मिलूंगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।